हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ केजी और यूकेजी क्लास के लिए इंग्लिश वर्कशीट। इन वर्कशीट की हेल्प से आप बच्चों को इजीली घर पर इंग्लिश की प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट ईच पिक्चर, सर्कल द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको ध्यान से हर एक पिक्चर को देखना है और जो उस पिक्चर का सही नाम है उसे आपको सर्कल करना है इन ऑप्शंस में से। जैसे फर्स्ट हमारे पास है शिप, शिप की पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप जो सही वर्ड है शिप उसे आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट है शॉप, शिप, शिन, सिप, तो शिप इज द राइट आंसर, तो हम इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है फिश, फिश की पिक्चर बनी हुई है, तो जो करेक्ट वर्ड है उसे आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पर वर्ड है फ्लश, फिक्स, विश, फिश, तो फिश इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है शेल, तो यहाँ पर एक शेल की पिक्चर बनी हुई है, जो करेक्ट वर्ड है उसे आपको सर्कल करना है। तो शॉप, शेल, मैश, टेल, तो शेल इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर एक बॉल, बॉल की पिक्चर बनी हुई है, तो हॉल, कॉल, बॉल, वॉल, वॉल इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर है मिसिंग लेटर्स, तो यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लेटर मिसिंग है, तो आपको यहाँ पर करेक्ट लेटर फिल करना है। तो फर्स्ट है हमारी पिक्चर बेल की, तो यहाँ पर ई डबल एल लिखा हुआ है, अब यहाँ पर लिखेंगे बी, बेल। नेक्स्ट है गोट, तो ओ ए टी लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिखेंगे जी, जी ओ ए टी, गोट। थर्ड है वॉल, तो हम यहाँ लिखेंगे डब्लू, डब्लू ए डबल एल, वॉल। नेक्स्ट है वेल, तो हम यहाँ लिखेंगे डब्लू, डब्लू ई डबल एल, वेल। नेक्स्ट है कॉट, तो यहाँ आएगा सी ओ ए टी, कॉट। नेक्स्ट है बॉल, तो हम यहाँ लिखेंगे बी ए डबल एल, बॉल। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, विच साउंड्स, तो यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में सी एच लिखा हुआ है, सेकेंड बॉक्स में श, एस एच श लिखा हुआ है, और उसके बाद जो दो बॉक्सेस हैं उनमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, श और श के जो साउंड्स वाले वर्ड्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है, जो च साउंड के वर्ड्स हैं वो आपको इस कॉलम में लिखने हैं और जो श साउंड्स के वर्ड हैं वो आपको इस कॉलम में लिखने हैं। तो फर्स्ट है हमारा शॉप, श एस एच, तो ये आएगा यहाँ शॉप। नेक्स्ट है रश, श, तो यहाँ पर आएगा रश। नेक्स्ट है रिच, तो चार आए लास्ट में रिच, तो ये आएगा यहाँ रिच। नेक्स्ट है चिन, सी एच चिन, तो ये आएगा इस कॉलम में। नेक्स्ट है शेड, तो ये आएगा इस कॉलम में। नेक्स्ट इज शर्ट, तो यहाँ पर आएगा शर्ट। तो इस तरह आप बच्चों को ये करने के लिए दे सकती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सर्कल द राइमिंग वर्ड्स, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा फन, तो उसी के अपोजिट साइड में यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपको जो इसका फन का राइमिंग वर्ड है उसे आपको सर्कल करना है। तो फन का राइमिंग वर्ड क्या होगा, हम देख लेते हैं। फर्स्ट है टॉप, टैन, हैड, सन, तो फन का राइमिंग वर्ड क्या है, सन। अब हम इसे सर्कल कर देंगे क्योंकि लास्ट के जो लेटर हैं वो भी सेम है, यू एन, यू एन, और फन, सन जो साउंड है वो भी सेम है। नेक्स्ट है मैट, तो मैट का राइमिंग वर्ड क्या होगा, लिप, टॉप, हाउ, सैड, तो मैट, सैड से सर्कल कर देंगे। इस तरह आप बच्चों से ये करा सकती हैं, बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्पेल, फाइंड एंड कलर, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर पजल है,
तो आपको क्या करना है, ये वर्ड इसमें आपको फाइंड करने हैं और फिर उसमें कलर करना है। तो जैसे फर्स्ट हमारा वर्ड है टैन, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम फर्स्ट लेटर जो होगा वर्ड का वो देखेंगे। टी है तो अब हम टी को फाइंड करेंगे, तो एन ई टी, टी ये रहा, तो टी के हम राइट साइड देखेंगे, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो टी ई एन टैन इस तरह लिखा जाएगा, तो हम राइट साइड देखेंगे, तो ये हमारा वर्ड नहीं बनना। अब हम डाउन साइड देखेंगे, तो टी एम पी ये भी वर्ड नहीं बनना, तो अब हम ये टी नहीं है, तो अब हम आगे चलेंगे, बी पी एल आर एफ एम ई जे ई डी एस पी डी एल जी एन जी ई एन सी के, अब यहाँ पर आ गया टी अगेन, तो अब हम दोबारा देखेंगे हमारा वर्ड यहाँ पर बन रहा है या नहीं, तो ये है टी, तो टी ई एन टेन, तो हमारा वर्ड बन गया, तो अब हम इसे कलर कर देंगे। अब नेक्स्ट है लेग, तो लेग भी हमें इसी तरह फाइंड करना है, हमें पहले फर्स्ट लेटर फाइंड करना है एल, हम पहले आगे देखेंगे, लेकिन ये आगे तो वर्ड ही नहीं, लेटर ही नहीं है, तो अब हम डाउन साइड देखेंगे, एल ई जी लेग, तो अब ये हमारा वर्ड पूरा मिल चुका है लेग, तो अब हम इसे भी कलर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा नेट, तो हमें फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर फाइंड करना है, तो एन ये रहा एन, तो अब हम राइट साइड देखेंगे, एन ई टी नेट, तो स्टार्टिंग में ही हमारा ये बन चुका है वर्ड, तो अब हम इसे कलर कर देंगे। बच्चों को कलर एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है, तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकती हैं ये वर्कशीट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।